अम्बाला छावनी में आज बाल कल्याण परिषद आरपीएफ और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें टीमों ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार से आ रही एक ट्रेन में से 40 बच्चों समेत उनके बिहार से पंजाब की अलग अलग जगह ले जा रहे लोग भी टीम ने काबू किए। फिलहाल मामला मानव तस्करी और बाल मजदूरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ट्रेन में से बरामद किए गए बच्चों की बाल कल्याण परिषद की टीम द्वारा काउंसलिंग की जा रही है। बता दें, अम्बाला छावनी में आज बाल कल्याण परिषद आरपीएफ और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की, जिसमें टीमों ने बिहार से आ रही ट्रेन को अम्बाला छावनी में रोककर उसमें रेड की। रेड के दौरान टीमों ने ट्रेन में से 40 बच्चों समेत उन्हें बिहार से पंजाब की अलग अलग जगहों पर ले जा रहे लोगों को भी काबू किया। फिलहाल मामला मानव तस्करी और बाल मजदूरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बाल कल्याण परिषद की टीम द्वारा बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए बाल कल्याण परिषद की अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें हेडक्वार्टर से सूचना मिली थी कि कुछ बच्चे बिहार ट्रेन से पंजाब ले जाए जा रहे हैं, जिसमें टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ट्रेन में रेड की और रेड के दौरान 40 से ज्यादा बच्चों और उन्हें बिहार से पंजाब ले जा रहे लोगों को भी काबू किया। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है और FIR भी दर्ज की जाएगी। वहीं बिहार की ट्रेन से पंजाब ले जा रहे एक बच्चे से जब बातचीत की गई तो उसने बताया कि वो लुधियाना में अपने मामा के पास पढ़ने जा रहा है। वहीं बचपन बचाओ आंदोलन के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में बच्चों की काउंसलिंग बाल कल्याण परिषद द्वारा की जा रही है और मामले की कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि बच्चों को क्या बोलना है क्या नहीं, इसके लिए लालच देकर पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए बच्चों की अलग से काउंसलिंग की जा रही है ताकि बच्चे किसी के दबाव में ना आ सके। वहीं एंटी ट्रैफिकिंग क्राइम ब्रांच के ASI ने बताया कि आज एक टीम गठित कर बिहार से पंजाब जा रही ट्रेन में रेड की गई, जिसमें कम से कम 40 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है और जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हमें ये सूचना मिली थी हमारे हेडक्वार्टर से कि आज कुछ बच्चे जो है इस ट्रेन के अंदर आ रहे हैं, भागलपुर वाली ट्रेन में, तो उसको लेकर हमने यहाँ पे सब टीम्स ने आपस में टाई अप करके आज हम यहाँ पे रेड करी है। तो करीबन 40 से प्लस बच्चे हमारे पास रेड में रिकवर हुए, उनके साथ कुछ एडल्ट्स भी हैं, बाकी उनके अभी वेरिफिकेशन हम लोग करवाएंगे और उनसे बातचीत करके देखते हैं। जो बचपन बचाओ आंदोलन है, ये क्लास था थी जो हमारे नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया, जो इंडिया का मान है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है। आज हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि जो अमृतसर ये ट्रेन जा रहा था तो इसमें मोर देन 25 to 30 चिल्ड्रन है जो ट्रैफिकिंग के थ्रू फोर्स लेबर के लिए लुधियाना और अमृतसर लेके जाया जा रहा है। खबर नामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।